हेलो गाइस, आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। तो अपना पहला क्वेश्चन है जैसे 9216। तो अपन ने पहला क्वेश्चन ले लिया 9216। अब इसका अपन निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो अपन को स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? 9216 सबसे पहले। अब इसमें सबसे पहले क्या है, जो मतलब यानी लेफ्ट साइड होती है अपनी, ये पीछे वाली, इधर से अपन क्या टू टू के पेयर बनाना चालू करेंगे। तो जैसे टू टू के पेयर बनाए, ये टू वन, ये टू टू के पेयर बन गए। जैसे 16 वाला अलग से पेयर हो गया, 92 अलग से पेयर हो गया। अब 92 का अपन को ऐसा स्क्वायर लेना है जो इसके, जैसे 5 × 5 करते 25 होता है, लेकिन इससे कम है, इसके आसपास हो। जैसे 9 × 9 किया मैंने, 9 × 9 81, 9 × 9 81, तो और 10 किया 10 × 10 100। तो 9 × 9 किया तो 81, और 10 × 10 किया तो 100। अभी 92 इन दोनों के बीच में आना है, तो इनसे कम वाला लेंगे। जैसे 9 वाला ले लिया, 9 + 9 कर दिया, यहाँ पे जो लिखते हैं उसी को ऐड करते हैं। तो ये हो गया 18, ये आया 81, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो कितना बचा 1। 9 में से 8 गया 1 16। अपने पास ये आ गया। अब अपन को यहाँ पे कोई नंबर ऐसा लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो इसके आसपास आ जाए। मान लो मैंने 1 8 1 लिखा, तो 1 लिखा है तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 181 आएगा, ये बहुत कम है। फिर मैंने लिखा 1 8 4 लिखा, इनको इंटू 4 किया तो कितना आया 16। सेवन थ्री सिक्स अभी भी बहुत कम है, और करेंगे 186 × 6, मतलब यानी 6 करने पे, मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया। तो मैं क्या करूँगा, इसको 6 यहाँ लिखूँगा, प्लस 6 ऐड करूँगा, और जितना आया उतना ही 6 करूँगा। ये आ गया 11, 116, तो बच गया 0। तो इससे तो हमको मतलब नहीं है। तो जो अपना ये आता है, ये स्क्वायर रूट है, तो मतलब 9216 का स्क्वायर रूट है। तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे अपन एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, अब ये तो 4 डिजिट का था, अपन लेके चलते हैं 3 डिजिट का, 441। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये सिंबल बना देंगे, 441 लिख देंगे पीछे की साइड से, मतलब यानी लेफ्ट साइड से दो दो के पेयर बनाएंगे, 2 1। अब ये 4 अकेला रह गया, तो इसको रहने दो। अब 4 का ऐसा लिखेंगे किसके आसपास आ जाए, तो 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 4, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 × 2 = 4, ये हो गया। 4 में से माइनस कर देंगे, जितना लिखा है उतना ही ऐड करेंगे, और उसको भी नंबर को ऊपर लिखेंगे, 2 और 2 = 4 हो गया, 4 में से 4 हो गया 0। अब पेयर बाई पेयर उतारेंगे, ऐसे नहीं कि 4 ही 4 उतारेंगे, यहाँ 41 उतरेगा, एक पेयर उतरता है एक बार में, 41 उतर गया 41। अब अपन को यहाँ ऐसा लिखना है कि 41 आ जाए, पता चल रहा है 1 1 1 यहाँ लिखेंगे, 1 ही प्लस ऐड करेंगे, तो कितना हो गया 41, माइनस कर देंगे, ये हो गया। तो अपना आंसर कितना आ गया 21। ऐसे अपन निकाल सकते हैं। अब रेंडमली नंबर ले लो, जैसे रेंडम नंबर ले लिया कोई भी, 5 डिजिट का ले लिया, 6 2 5 3 1, ये वाला नंबर ले लिया। इसका कुछ अपन को पता नहीं, अपन को निकाल दिया इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पहले तो सिंबल बनाएंगे, पीच लेफ्ट साइड से 2 2 के पेयर बनाएंगे, सिंगल रह गया, कितनी बार गया 2 2 2 + 2, तो 3 × 3 9 हो जाता है, 3 × 3, तो ज़्यादा हो गया, अपन को कम लेना है, 4 बच गया, कितना 2, ये हो गया 4। अब एक पेयर उतर जाएगा 25। अब यहाँ पे कितना लिखे कि 2 वो हो जाए, तो मैंने 45 × 5 लिखा, ये भी हो गया 5 + 5 = 2 2 5, ये कट गया, यहाँ जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 0, कितना बच गया 31, और ये कितना हो गया 45 + 5 = 50। अब मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो भी ज़्यादा होगा, मान लो मैंने 501 भी लिख दिया, सबसे कम बन ही लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो भी 501 हो गया, लेकिन नेगेटिव में आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया डायरेक्टली 62531 का स्क्वायर रूट हो गया 25√31, ये आंसर हो गया इसका। तो ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं। अब ये तो अपने हो गए
स्क्वायर रूट निकालना, मतलब यानी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, जैसे और भी एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। मान लो रैंडमली कोई भी रैंडमली नंबर ले लो जिसका आपको स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस करनी है, तो रैंडमली नंबर ले लिया मैंने 6 3 2 1 3 4 6। अब मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि पहले तो अपन को इसको पहचानना है स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो जैसे 6 है लास्ट डिजिट, 6 से पहले 4 आ गया, तो मतलब 6 से पहले इवन नंबर आ गया 4, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होगा। पर लेकिन देखते हैं अपन उसको अब कैसे सॉल्व, कितने खान तक इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। उसको अपन ने क्या किया, ये लिख लिया। अब ये वो आ गया अपना, मतलब ये स्क्वायर रूट तो नहीं है, अपन ने डायरेक्ट पता चला लिया नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, मतलब पूरी तरह से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अपन को पीछे टू टू के पेयर बनाने, बना लिए, 6 बच गया, 6 को क्या हुआ 2 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, तो 4 इधर आ गया, 4 गया 2 बचा, 32 उतरेगा, एक पेयर उतार लिया 2 3 2। अब मैं यहाँ पे कितना लिखूँ कि 2 3 2 के आसपास आ जाए, जैसे मैंने लिखा 4 लिखा, चलो 5 से करके देखते हैं, 2 2 5 आ रहा है, 6 करेंगे तो ज़्यादा आएगा पता चल रहा है, तो 5 से किया 5 प्लस 5 ये कितना आ गया 50, और अपना कितना आया 2 2 5 सबट्रैक्ट किया 7। अब उनको उतारना है 13। अब कितना लिखेगी 713 के आसपास आ जाए, तो एक ही लिखेंगे, 2 करेंगे तो 1000 से ऊपर पहुंच गया, तो बनी एक सौ बन ऐड करेंगे और इधर भी बनी लिखेंगे, तो इधर तो कितना हो गया 502, इधर हो गया 501 2 1, और ये कितना बच गया 2। अब 46 उतरेगा। अब अपन को ऐसा नंबर लिखना है कि इसके आसपास आ जाए। अब ऐसा कैसे अपन को पता कैसे चलेगा ये 4, तो अपन को एक चीज़ देख रहे हैं, जैसे ये 500 के आसपास है, अब मैंने इसके एक आगे ये भी बढ़ाता हूँ तो 5000 के आसपास हो गया, तो मतलब अपन पता चल रहा है कि 20000 के आसपास है, तो 4 बार, तो 5204 इंटू 4 करके देखता हूँ मैं कितना आ रहा है 16 इतना आ रहा है इतने पे, और मैं 5025 इंटू 5 करके देखता हूँ 4 आ गया, तो अपन को पता चल गया कि 4 पे इतना आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 4 लिखूंगा, यहाँ पे 4, और कितना आ रहा है 20096 ये आ गया इतना। तो अपन को पता चल गया, इधर प्लस 4 कर लो, इससे कोई मतलब नहीं अब लास्ट में, तो अपन को तो ये पता चल गया कि इसका स्क्वायर रूट हो गया 2514 अंडर रूट ऑफ 151150। ये अपना किसका स्क्वायर रूट निकाला है अपन ने इसका, तो अपन ने ऐसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। करना कुछ नहीं है, 2 2 के पेयर बनाने और ऐसे निकालना है, यदि अपन को ऐसे कर और उसके आसपास के देखने मल्टीप्लाई करना है, जिसमें कोई बड़ा नहीं, ऐसे ये चलता रहेगा। और यदि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, किसी भी टॉपिक से शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक सिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।